हेलो एवरीवन गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किंग एनआर जॉट टेक्निकल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि अपने मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशंस को कैसे हाइड करें बिना किसी एप्लीकेशंस की मदद से, बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग पर, और सेटिंग पर जाने के बाद में हमें जाना होगा प्राइवेसी पर। तो हम प्राइवेसी पर क्लिक करते हैं। प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे ऐप लॉक का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए हम ऐप लॉक पर क्लिक कर लेते हैं। ऐप लॉक पर क्लिक करने के बाद में यहाँ हम अपना ऐप लॉक का पासवर्ड डालते हैं। यहाँ पर हम अपना ऐप लॉक का पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। चलिए पासवर्ड एंटर करने के बाद में हमारे पास ऐप की लिस्ट ओपन होकर के आ गई है। जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर, वो सभी शो हो गए हैं। तो चलिए जिस भी एप्लीकेशन को हम यहाँ से हाइड करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं 2-3 एप्लीकेशन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपना यहाँ से मेल को सिलेक्ट करता हूँ। तो मेल पे हम यहाँ पे मेल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से हमें इसको अनेबल कर देना है, अनेबल पासवर्ड वेरिफिकेशन को। यहाँ से हमने इसको अनेबल कर दिया है। अनेबल करने के बाद में इस पर पासवर्ड प्रोटेक्ट हो गया है, और पासवर्ड प्रोटेक्ट होने के बाद में यहाँ से हम इसको हाइड पर भी क्लिक कर देंगे। हाइड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन शो होते हैं। हमें इसको अपने डिस्प्ले पर नहीं दिखाना है, और रिसेंट टास्क में भी नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर इनको भी हमें ऑन रहने देना है। तो चलिए यहाँ से हमने इसको कर दिया है। एक एप्लीकेशन को और करते हैं, हम यहाँ से एमएक्स प्लेयर को कर लेते हैं। एमएक्स प्लेयर को भी हम यहाँ से अनेबल कर देते हैं, और इसको भी इसके 3 ऑप्शन अनेबल कर देते हैं। तो चलिए अभी चल करके देख लेते हैं कहाँ पे ये शो होगा, क्या करना होगा। तो इसके लिए हम एक एक्सेस नंबर डालते हैं जो हमारे, जिससे हम इसको देख सकते हैं। तो हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज एक्सेस नंबर सेकेंड नंबर पर। तो हम इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम अपना एक एक्सेस नंबर बना लेते हैं। तो चलिए हम अपना एक एक्सेस नंबर बनाते हैं। तो किसी भी नंबर को बनाना, लेकिन याद रहे स्टार्टिंग में भी हैज़ का यूज़ करना है, और लास्ट में भी हैज़ का यूज़ करना है। और आप यहाँ पर 1 से 16 अंकों का पासवर्ड बना सकते हैं, एक्सेस नंबर बना सकते हैं। तो चलिए मैं बनाता हूँ हैज़ 5454353535 और हैज़। तो हमने बना लिया है, हम इसको यहाँ से डन कर देते हैं। डन पर क्लिक करने के बाद में इसने यहाँ पे एक हमें मैसेज शो हो रहा है, प्लीज़ रिमेंबर दैट योर एक्सेस नंबर इज़, जो हमने डायल किया है वही है। तो हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद में हमें बैक जाना है, और बैक जाने के बाद में अब समस्या ये आती है कि हमें इसको हम देखें कहाँ पर। हमें यहाँ तो ये शो होगा नहीं, देखें हमें कहीं भी यहाँ पर एमएक्स प्लेयर शो नहीं हो रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं हमारी ऐप लिस्ट में कहीं भी एमएक्स प्लेयर शो नहीं हो रहा है। तो चलिए हमें क्या करना होगा, हमें कॉल में जाना होगा। कॉल में जाने के बाद में हम वही एक्सेस नंबर डायल करेंगे, हैज़ 4545 3535, और उसके बाद हैज़। तो देखिए हमारे हिडन ऐप की लिस्ट ओपन हो करके आ गई है। देखिए दोस्तों कितना सिंपल और कितना ईजी। तो चलिए हम यहाँ से एमएक्स प्लेयर को ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे एमएक्स प्लेयर इजीली ओपन हो जा रहा है। चलिए यहाँ से बैक जाते हैं। देखिए दोस्तों, तो जिस भी एप्लीकेशन को हम यहाँ से हाइड करना चाहते हैं उसे यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।